ये प्रॉब्लम देखो, ये चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका दिया हुआ है 7.5 × 10⁻⁴ इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पे वॉट इवर, और मूवेबिलिटी हमें निकालना। मूवेबिलिटी क्या चीज़ होती है, जब तक मूवेबिलिटी समझ नहीं पाओगे, मूवेबिलिटी जो होती है, मूवेबिलिटी उसको अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो मूवेबिलिटी का फार्मूला होता है वो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका डिफिनेशन होता है, ठीक है। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने में इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल कितना ड्रिफ्ट हो रहा है वो उसकी मूवेबिलिटी देती है। अब जो ड्रिफ्ट ये मूवेबिलिटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अलग अलग होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ये मास पे डिपेंड करता है, तो ये अलग अलग आ जाता है। चलो वॉट इवर जो भी है, तो यहाँ से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 7.5 × 10⁻⁴ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 × 10⁻⁰। तो ये कट गया और ये 2.5 × 10⁻⁶ आ जाएगा, दैट इज 2 × 10⁻⁶, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक आसान क्वेश्चन था, इसको बोलते हैं डायरेक्ट।